एमपी के बैतूल में पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। पीएम ने कहा, जहां कांग्रेस आई तबाही लाई, कांग्रेस के पुराने लोग नजर नहीं आ रहे, कांग्रेस ने खुद को भागे भरोसे छोड़ा। दशकों तक आदिवासी समाज के वोट बटोरे, झूठ बोलकर वोट पाए, आदिवासियों को कांग्रेस ने हमेशा वंचित रखा। आप याद रखिएगा, कांग्रेस जो वायदा करती है वो कभी पूरा नहीं करती है। आज भाजपा सरकार आपका हक समझकर ये सुविधाएं दे रही है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा, कांग्रेस का पंजा छीनना जानता है, कांग्रेस का पंजा लूटना जानता है, कांग्रेस को पता नहीं है कि मोदी किस मिट्टी का बना है, हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। एमपी के शाजापुर में पीएम ने कहा, कांग्रेस सिर्फ एक परिवार के लिए काम करती है, बीजेपी की आंधी चल रही है, जनता को बीजेपी पर भरोसा, विकास करके लौटाऊंगा आपकी तपस्या। पीएम मोदी ने राहुल गांधी के बयान पर कसा तंज, कहा मूर्खों के सरदार को इंडिया की उपलब्धि रास नहीं आ रही, उन्हें हर जगह मेड इन चाइना ही दिखाई देता है। दरअसल राहुल गांधी ने हाल ही में कहा था कि हम मेड इन चाइना को मेड इन एमपी में बदलेंगे। महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं ये लोग? कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां न देखने की मानसिक बीमारी हो गई है। पता नहीं विदेश के वो कौन से चश्मे पहने हैं कि उनको देश की स्थिति का पता ही नहीं दिखता है। एमपी के विदिशा में राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला। राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी बस झूठ बोलना जानती है, एमपी में कांग्रेस का तूफान आएगा, हमने कर्नाटक और हिमाचल से बीजेपी को भगाया। आप अकाउंट निकालो, जितना इन्होंने अरबपतियों को दिया उतना आप गरीबों को दोगे? यहां पे गैस सिलेंडर का क्या रेट है? 1200। कर्नाटक में जानते हो क्या रेट है? 500। 500 रुपए का सिलेंडर है। यहां हमारी माताएं बहनें आई हैं, यहां 1400 है ना, वहां 500 है, ठीक है? तो वहां राहुल गांधी शिवराज सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि एमपी में चोरों की सरकार है, बीजेपी ने एक भी कारखाना नहीं खोला, कांग्रेस जनता के मुद्दे उठाती है, कांग्रेस 145 से 150 सीट जीत रही है। उत्तरकाशी में हुए टनल हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 21 मीटर हिस्से की गंदगी हटाई गई, खुले क्षेत्र में शॉर्ट क्रेटिंग की जा रही है, टनल में पिछले 55 घंटे से 40 मजदूर। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, बीआरओ और नेशनल हाईवे की 200 से ज्यादा की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी है, मजदूरों तक पहुंचने के लिए डाली जाएगी स्टील पाइप। टनल के अंदर फंसे मजदूरों को निकालने के लिए ऑगर मशीन की मदद से बड़े ब्यास के एमएमएम पाइप डालने की तैयारी, 35 इंच चौड़ा स्टील पाइप मलबे के अंदर डाला जाएगा, मलबे के बीच ड्रिल मशीन के जरिए रास्ता बनाया जाएगा, उसके बाद उसमें स्टील के पाइप डाले जाएंगे। टनल के अंदर मशीनों की मदद से पिछले 2 दिन से लगातार रेस्क्यू का काम चल रहा है। ऑगर मशीन को स्थापित करने के दौरान सुरंग के अंदर बाबा बौखनाग की पूजा अर्चना की गई, विधिवत पूजा करने के बाद मशीन को संचालित करने का कार्य शुरू किया गया। उत्तरकाशी टनल हादसे की होगी जांच, सरकार ने किया 6 सदस्यीय कमेटी का गठन, सिलेक्ट किया गया, सुरंग हादसे में फंसे हैं 40 मजदूर। प्लास्टर नहीं होने की वजह से टनल का 60 मीटर हिस्सा धसा, 4.5 किलोमीटर लंबी और 14 मीटर चौड़ी टनल के स्टार्टिंग प्वाइंट से 200 मीटर तक प्लास्टर किया गया था। फंसे हुए मजदूरों में सबसे ज्यादा झारखंड के मजदूर, यूपी के 8, उड़ीसा के 5, बिहार के 4, पश्चिम बंगाल के 3, उत्तराखंड के 2, असम के 2 और हिमाचल प्रदेश का 1 मजदूर शामिल। छठ पूजा पर घर जाने की बेसब्री के बीच दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर उमड़ी भारी भीड़, प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद, आनंद विहार बस अड्डे का भी बुरा हाल। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर भी देखने को मिली भारी भीड़, भीड़ देखकर रेलवे प्रशासन चरमराया, कोच फुल होने के यात्रियों को धक्का मुक्की झेलनी पड़ रही है।
पूजा को देखते हुए बड़ी संख्या में लोग अपने अपने गांव अपने घर जाने के लिए दिल्ली के अलग अलग स्टेशनों पर पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में। इस वक्त हम मौजूद हैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर और यहां पर भी आपको बता दें कि बड़ी तादाद में लोग अपने अपने गांव, अपने अपने शहर अपने अपने घर जाने के लिए निकले हुए हैं और ऐसे में प्लेटफॉर्म टिकट पूरी तरह से बंद कर दिया गया है रेलवे की तरफ से। नई दिल्ली और आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री अस्थायी तौर पर बंद। रेलवे के मुताबिक टिकट काउंटर बंद होने से भीड़ में 15-20% की आएगी कमी। बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद सियासत तेज। बिहार में बीजेपी पहली बार करने जा रही है यादव सम्मेलन। बीजेपी का दावा, हजारों की संख्या में यादव समाज के लोग बीजेपी में होंगे शामिल। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की अगुवाई में इस सम्मेलन का आयोजन होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विरोध में जीतन राम मांझी करेंगे मौन प्रदर्शन। जीतन राम मांझी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर इस बात की जानकारी दी। विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को लेकर दिया था अमर्यादित बयान। जीतन राम पटना उच्च न्यायालय के निकट अम्बेडकर स्मारक पर सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ करेंगे मौन प्रदर्शन। दिवाली के बाद फिर चुनावी प्रचार ने पकड़ा जोर और बैतूल शाजापुर के बाद झाबुआ में जनसभा करेंगे पीएम मोदी। इंदौर में रोड शो के बाद आज शाम झारखंड की राजधानी रांची पहुंचेंगे पीएम मोदी। रांची में पीएम मोदी करेंगे रोड शो। पीएम मोदी कल सुबह रांची में बिरसा मुंडा संग्रहालय जाएंगे। भगवान बिरसा मुंडा की जन्मभूमि उलिहातू जाकर बिरसा मुंडा को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। पीएम मोदी खूंटी में भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र बुधनी में सपा प्रत्याशी के समर्थन में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव प्रचार करेंगे। बुधनी में अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित करेंगे। आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे बसपा प्रमुख मायावती। बसपा प्रमुख मायावती की मुरैना में जनसभा को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकी। आज बालाघाट के दौरे पर रहेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल और सीएम भगवत मान। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 अपने चरम पर। आज कोटा के दौरे पर सीएम अशोक गहलोत। गहलोत कोटा उत्तर से चुनाव लड़ रहे शांति धारीवाल के समर्थन में शहर में दो जगहों पर जनसभा करेंगे। आज से दो दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर रहेंगे सचिन पायलट। उज्जैन के तराना, राजगढ़ के खिलचीपुर और देवास में जनसभा को संबोधित करेंगे। आज छत्तीसगढ़ दौरे पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी शाम 6 बजे रायपुर में करेंगे रोड शो की शुरुआत। नेताजी सुभाष स्टेडियम से निकलेगा प्रियंका गांधी का काफिला। प्रियंका का काफिला रायपुर दक्षिण रायपुर पश्चिम विधानसभा से होते हुए और रायपुर उत्तर विधानसभा के साथ साथ स्टेशन चौक में होगा रोड शो का समापन। दिवाली के बाद कांग्रेस का प्रचार अभियान तेज। लगातार दूसरे दिन मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे राहुल गांधी। विदिशा और टीकमगढ़ में राहुल गांधी की होगी जनसभाएं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज दतिया जिले के इंद्रगढ़ और शिवपुर जिले में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं धुआंधार प्रचार में जुटे कमलनाथ आज दिमनी मुरैना और जौरा में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। मध्य प्रदेश के मंदसौर में चुनावी सभा में कांग्रेस पर जमकर बरसे सीएम शिवराज। कहा राहुल और प्रियंका कांग्रेस के डबल मनोरंजन। दोनों भाई बहन एमपी मनोरंजन करने आते हैं और झूठ बोलने आते हैं। और दोनों भाई बहन मनोरंजन करने आते हैं। इतना झूठ बोलते कहते 3 साल में केवल 21 लोगों को रोजगार दिया प्रियंका गांधी कहती है। अरे कुछ तो शर्म करो, इतना झूठ तो मत बोलो। एमपी के प्रचार के दौरान शिवराज सिंह चौहान का बयान। लाडली बहन योजना से कांग्रेस को दिक्कत। कांग्रेस ने इस योजना को रोकने की बहुत कोशिश की। दतिया में अमित शाह ने किया चुनावी जनसभा को संबोधित। अमित शाह बोले कांग्रेस की सरकार में देश में पाकिस्तान से घुस आते थे आतंकी और हमने किया आतंकवाद का सफाया। एमपी के चंदेरी में गृहमंत्री अमित शाह ने जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस झूठ बोलने में माहिर। एमपी में बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। मध्यप्रदेश के बड़वानी में पीएम मोदी ने की जनसभा। पीएम मोदी की जनसभा में उमड़ी लोगों की भीड़। पीएम मोदी ने किया दावा एमपी में हर हाल में बनेगी बीजेपी की सरकार। एमपी की जनता को है बीजेपी पर पूरा विश्वास।
राहुल गांधी ने भोपाल में किया भव्य रोड शो। राहुल गांधी के रोड शो में उमड़ी लोगों की भीड़। राहुल गांधी ने लोगों से की कांग्रेस को जिताने की अपील। बीएसएफ ने पाकिस्तान ड्रोन को गोली मारकर गिराया। फिरोजपुर के पास संदिग्ध पैकेट फेंककर लौट रहा था सीमा पार। बीएसएफ ने पाकिस्तान से भारतीय क्षेत्र में आए संदिग्ध ड्रोन को टिंडीवाला गांव में गिराया और आसपास के गांव में गश्त भी बढ़ाई गई। रायगढ़ में चलते ट्रक में लगी आग। रायगढ़ के पेन तालुका के फाटा में चलते ट्रक में आग लगने के बाद ड्राइवर जान बचाकर भाग गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां फौरन मौके पर पहुंची। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दिल्ली की वायु गुणवत्ता आज फिर गंभीर श्रेणी में पहुंच गई। दिल्ली के आनंद विहार बस टर्मिनल के अलावा कई जगहों से आए ड्रोन विजुअल्स में दिखा स्मॉग। एक वाई 435 के बाद दिल्ली एनसीआर की जहरीली हवा फिर से खतरनाक हुई। नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 418, गुरुग्राम में 391। कई जगह लोगों ने आंखें जलने की शिकायत। एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार खराब होता जा रहा है। दिवाली के बाद भी अभी भी दिल्ली एनसीआर वासियों को राहत नहीं मिल रही है। ऐसे में अगर एक्वाई लेवल की बात की जाए दिल्ली एनसीआर का तो 350 से 400 के पार पहुंच चुका है। ऐसे में हवा की जो स्थिति है वो जहरीली हो चुकी है। प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार ने उठाया कदम। आज से 14 दिसंबर तक एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन लागू। एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन के लिए 611 टीम तैनात। सभी टीमें 24 घंटे दिल्ली में ओपन बर्निंग की घटनाओं की निगरानी और उसे रोकने का काम करेगी। पंजाब में तमाम सख्ती के बावजूद पराली जलाना जारी। फिरोजपुर के माछीवाड़ा गांव में जली पराली, तस्वीरें सामने आई। पंजाब में लगातार जल रही पराली और पटाखों से बढ़ रहा है प्रदूषण। पंजाब के कई शहरों का एक्यूआई एक बार फिर बहुत खराब कैटेगरी में पहुंचा। पंजाब के भटिंडा में एक्यूआई 384, पटियाला में 298, जालंधर में 291, लुधियाना में 286 और अमृतसर में 253 पर है। आज दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत। प्रगति मैदान में आयोजित इस व्यापार मेले का समापन 27 नवंबर को होगा। 14 से 18 नवंबर के बीच केवल बिजनेस विजिटर्स को मेले में आने की होगी अनुमति, जबकि 19 से 27 के बीच यहां आम लोगों के लिए भी खुला रहेगा। प्रगति मैदान में टिकटों की बिक्री नहीं होगी। ऑनलाइन और मेट्रो स्टेशनों पर बेचे जाएंगे टिकट। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले को लेकर दिल्ली पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। तमिलनाडु में भारी बारिश से बढ़ी है मुश्किलें। बिलुलपुर में, अरियालपुर और पुदुल में भी भारी बारिश हुई है। बारिश के चलते कुछ हिस्सों में जलभराव हुआ। रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते तमिलनाडु के कई जिले प्रभावित हुए। कई जिलों में जलजमाव। विलुपुरम ने जिला कलेक्टर ने स्कूल और कॉलेज बंद रखने के निर्देश दिए। जमुई में सनसनीखेज वारदात। बालू माफिया ने दारोगा की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या की। 2 पुलिसकर्मी घायल। पुलिस की टीम बालू से लदे ट्रैक्टर को रोकने पहुंची थी। मृतक दारोगा प्रभात रंजन ने ट्रैक्टर रोकने की कोशिश की तो बालू माफिया दारोगा का कुचलता हुआ फरार हो गया। दारोगा की हत्या और 2 पुलिसकर्मियों के घायल होने से पुलिस महकमे में हरकंप मचा। एसएपी ने मामले की जांच के आदेश दिए। सिरोही के सरूपगंज के भीमाना रेलवे स्टेशन के बीच मालगाड़ी की पावर इंजन पटरी से नीचे उतरा और रेलवे अधिकारी और आरपीएफ के अधिकारी मौके पर पहुंचे। हादसे के बाद वाटेरा मार्ग हुआ बंद। इंजन को पटरी पर लाने में लग सकते हैं कई घंटे। रेलवे के अधिकारी मामले की जांच में जुटे। चेन्नई के कोलातपुर में देखा गया सड़क पर पटाखों का कचरा। दिवाली पर शाम 7 बजे से 8 बजे तक पटाखे फोड़ने की दी गई थी अनुमति। मंदी छोड़ दिवस और दिवाली के मौके पर सजा बंगला साहिब गुरुद्वारा। दिवाली के अवसर पर श्रद्धालुओं ने जलाए दीप। धूमधाम से मनाई गई दिवाली। लंदन में दिवाली रिसेप्शन में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। कहा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भारत ब्रिटेन रिलेशनशिप का फोकस। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जल्द मिलेगा लैंडिंग प्वाइंट। लंदन के संसद भवन के पास वेस्टमिंस्टर हॉल में भारतीय उच्चायोग को संबोधित करते हुए एस जयशंकर ने कहा भारत ब्रिटेन के द्विपक्षीय संबंध दुनिया के लिए सकारात्मक शक्ति। एस जयशंकर ने कहा भारतीय प्रवासियों की संख्या दुनिया में सबसे बड़ी। भारत में चल रही तकनीकी प्रगति और सामाजिक आर्थिक विकास की गति को दुनिया भर में फैलाने का आह्वान किया है।